नेक्स्ट वी कम टू आर ट्रांजिटिव रिलेशन. अभी तक हमने सिमेट्रिक और उसके टाइप देख लिए, उसके अंदर जो भी आते थे रिफ्लेक्सिव के देख लिए. अब यहाँ पर आते हैं ट्रांजिटिव के. तो देखो ट्रांजिटिव के मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, इसकी कंडीशन और देख लेते हैं क्या है. तो देखो कंडीशन क्या बोलती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, ठीक है यहाँ पर दिख रहा है ठीक. और दूसरी कंडीशन क्या है, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर देन इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से, तो ए का सी से ठीक है. तो हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट से. तो यहाँ पर थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, वन टू है, वन का टू से है, टू का वन का, टू का वन से है, तो वन का वन से होना चाहिए. मतलब क्या देखो, ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है ठीक है. ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए, यानी वन वन होना चाहिए था इसमें. तो क्या है, हाँ वन का टू से, टू का वन से, तो वन का वन से होना चाहिए. हाँ है, वन का थ्री से और थ्री का वन से, तब मैं सोचूंगा. अब यहां पर देखो समझने वाली बात क्या है, टू का वन से, वन का टू से, जैसे ही लेफ्ट वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, फौरन ये चेक करने जाएगा कि ए का सी से होना ही चाहिए. अब यहां पर मान लो सिर्फ ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी नहीं है, यानी बस एक ही पेयर दे रखा है वन थ्री, तो ये सोचेगा ही नहीं, मतलब कोई टेंशन नहीं लेगा, फिर ये चेक बैक नहीं करेगा. ये चेक कब करेगा, कब इसके दिमाग में घूमेगी चरखी, जब ए का बी से एंड बी का सी से ये दोनों ही आ जाएं, तब ये जाएगा फर्क चेक करने के लिए. अब यहां पर देखो, ए का बी से, वन का टू से, टू का वन से, यहां पर हाँ सही है, बिल्कुल सही है, वन का टू से, टू का वन से, तो इसने क्या किया, वन का वन से होना चाहिए ठीक है. तो इसको मिल गया, इन्हें फर्क चेक किया, हाँ हाँ सही सही मिल गया, वन का थ्री से, ये खाली बैठा है, जैसे ही वन का थ्री से आया इसको कोई टेंशन नहीं है, वन का थ्री से और थ्री का टू से आ जाता तो फौरन भागता ही देखने के लिए, क्या वन का टू से, समझ रहे हो. तो ये कब तक खाली बैठा रहेगा, जब तक ये दोनों नहीं आ जाए, ए बी और बी सी, यहाँ पर वन थ्री है और थ्री का किसी और से है ही नहीं, तो इनमें कोई टेंशन नहीं ली, नहीं आओ छोड़ो. तो वन का टू से, टू का वन से, वन का वन से सेटिस्फाई हो गया, और वन थ्री पर ये चेक ही नहीं करेगा तो ये हो जाएगा. इसके बाद देखो, वन का थ्री से, थ्री का वन से, तो वन का वन से होना चाहिए, नहीं है, फौरन ही क्रॉस ठीक है. जैसे ही एक बी गलत तो ये पूरा गलत ठीक है, तो यहां पर इन्हें सेटिस्फाई नहीं किया. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वन का टू से, टू का वन से, वन का वन से होना चाहिए, हाँ सही, टू का थ्री से, थ्री का थ्री से, तो टू का थ्री से होना चाहिए ठीक है. टू थ्री, थ्री थ्री, तो टू थ्री तो है, टू थ्री भी आएगा, सारे हैं तो ये भी है, यानी सही है राइट. देखो यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया, मैंने इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया ताकि आपको समझा सकूं, टू का वन से है, खाली बैठा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टू का वन से है और वन का किसी और से होता फौरन भागते, यहां पर है टू का वन से है और वन का किसी से है नहीं, सॉरी टू का टू से है, टू का वन से है, तो टू का वन से होना चाहिए. देखो टू का टू से, फिर इस वाले टू का किसी से है, हाँ टू का वन से, तो टू का वन से होना चाहिए, है ये तो है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इधर वाले के लिए, और इसके लिए कोई बिचारी के लिए करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो अकेला है अगर हम ये देखें तो ठीक है. तो ये भी है, मतलब ट्रांजिटिव है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये अकेला रह जाएगा, टू का वन से है, वन का किसी से है नहीं, कोई टेंशन नहीं, टू का टू से है, टू का वन से है, तो टू का वन से होना चाहिए, तो है यस ओके. अब फाइव ले लेते हैं, जैसे ही इसकी कंडीशन है, देखो फाइव कहता है मेरे पास कुछ है, इफ ये एंड ये, तो ये होना चाहिए. फाइव कहता है ना मेरे पास जैसे इफ है ना कुछ और है, तो फाइव में कुछ लगेगा ही नहीं, अगर ये और ये है तब मैं ये सोचूंगा, तो इसके बाद तो कुछ नहीं, तो इफ की जैसी कंडीशन हो तो टिक, ए क्रॉस ए, यानी सारे एलिमेंट आ गए, मतलब क्या
वन का वन से है, टू का टू से है, थ्री का थ्री से है, ये तो सारे आई जाएंगे ट्रांजिटिव में। टू का वन से है, वन का टू से है, तो टू का टू से होना चाहिए, तो यहाँ पर है, तो सबका मिल जाएगा, किसी का भी ढूंढ लो यहाँ पर, तो सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं क्रॉस ए में, जितने भी एलिमेंट है क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद, ठीक है। तो ये तो हमेशा होगा ही, ठीक है, ये होगा। तो ये ट्रांजिटिव का था, बहुत ज्यादा आसान था। अब यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, बस सिंपल है। देखो जो रिलेशन आपका तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो तीन कंडीशन में लिख देता हूं, इसको याद रखना, कौन सी है, सबसे पहली रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, दूसरी है सिमेट्रिक। जो भी रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया वो कैसा होगा, इक्विवेलेंट। जैसे इक्वल का जो रिलेशन होता है किन्हीं भी दो नंबरों के बीच, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन की कहानी थी। अब आते हैं आइडेंटिटी पर। देखो आइडेंटिटी से समझने से पहले पहले समझते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन किस तरह से निकालोगे, ज्यादातर निकालने पर यूज होगा, मतलब क्या है इसको समझना कैसे, बस अगर इनवर्स किसी भी रिलेशन का निकालना हो, जैसे ए बी बिलोंग करते हैं आर में, तो इसका इनवर्स क्या होगा, और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं ना, ए आर बी, तो इसका इनवर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे ए आर इनवर्स बी से, ठीक है। क्या हो जाता है उसमें, बी आर ए, मतलब चेंज हो जाता है पेयर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो वन टू है, अब मैं कॉमन लगा रहा हूँ, पहले नहीं लगाए थे, ठीक है, थ्री वन है, इस तरह का कोई रिलेशन है। अगर आपसे पूछा जाए आर इनवर्स, इनवर्स निकालो, तो क्या कर दोगे, बस ऑर्डर चेंज कर दोगे, वन टू का टू वन, टू थ्री का थ्री टू, और थ्री वन का वन थ्री, सिंपल है, खत्म। ये इनवर्स, मतलब ऑर्डर चेंज कर दो, इनवर्स आ जाएगा, खत्म। इसके बाद देखो आइडेंटिटी रिलेशन की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी है। पहले ये बताऊंगा आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, उसके बाद इन दोनों में कंपेयर कराऊंगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन क्या है, कोई भी रिलेशन इस टाइप का होगा तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन समझना एक्चुअली कंफ्यूजिंग क्या है कि रिफ्लेक्सिव की भी यही कंडीशन थी, तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये थोड़ा नकचढ़ा सा है। क्यों, क्या वजह है इसकी ऐसा बनने की, मतलब इसको बर्दाश्त नहीं, इसके साथ कोई और आ जाए। देखो ए ए का मतलब क्या है, वन वन आए, टू टू आए या थ्री थ्री आए, ठीक है, इन सारे चीजों को तो ये अलाउ करता है। बट यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर ये आ जाए वन वन, टू टू, थ्री थ्री, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। बट यहाँ पर इन केस अगर ये आ गया वन वन, टू टू, थ्री थ्री, थ्री वन, ठीक है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? इसको ये पसंद नहीं है कि कोई और भी आए, बस ये चाहता है मेरे ही एलिमेंट्स आए, तो इसलिए ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। बस ये क्या चाहता है कि मेरे ही एलिमेंट्स आए, बाकी कोई और ना आए। सो यहाँ पर सिंपल डिफरेंस अब ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या चाहता है कि सारे डायगोनल वाले हों और कोई नहीं, इसके अलावा मत लाना, मैं नाराज हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो थ्री वन आ गया, ये नाराज हो गया। बट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करें, तो इसको सिर्फ ये चाहिए रिफ्लेक्सिव वाले को कि मुझे डायगोनल के एलिमेंट दे दो, बाकी कोई भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ये बेचारा ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अच्छा आदमी है और ये बुरा आदमी है। क्यों, ये चाहता है कि बस मेरे ही घर वाले रहें, मेरे डायगोनल के एलिमेंट रहें, बाकी और कोई ना रहे, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, बट यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, नॉट। तो बस ये कॉमन सा डिफरेंस ध्यान रखना है कि ये अदर एलिमेंट को भी अलाउ करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ डायगोनल चाहिए, जबकि आइडेंटिटी के कहता है कि बस मुझे तो डायगोनल भी चाहिए, ये विषय हो जाता है, ठीक है, खत्म। इसके बाद देखो पार्शियल ऑर्डरिंग एलिमेंट, सॉरी रिलेशन, मैंने एक नाम दिया था उसमें, यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर खत्म करते हैं।
ज्यादा बढ़ाते नहीं है बात को। तो पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है, वो भी कॉम्बिनेशन है थ्री रिलेशन का। जैसे कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आया था, उसमें तीन कंडीशन अगर फॉलो होती है तो वो इक्विवेलेंस होता है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसी तरह से पार्शियल ऑर्डरिंग एलिमेंट सॉरी रिलेशन कौन सा होगा, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन कौन सा होगा जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटीसिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। बस सेकंड वाला चेंज हो गया, एंटीसिमेट्रिक कंडीशन फॉलो करना चाहिए, बाकी सेम है, ठीक है। तो वो हमारा पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ इसी तरह की आपकी यूजफुल वीडियो के साथ।